राम राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 तारीख को चैत्र नवरात्रि का पहला नवरात्रा शुरू होगा और इसी दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी और नया संवत शुरू होगा। तो नवरात्रि मां दुर्गा की भक्ति के लिए जाने जाते हैं, तो 9 ग्रहों में ही देवी का वास है, तो ऐसा हम कुछ करें कि हमें ग्रहों का आशीर्वाद मिले। दुर्गा अष्टमी जैसा कि आप सभी जानते हैं 29 मार्च को पड़ेगी और 30 तारीख को दुर्गा नवमी और रामनवमी होगी। तो ये जितने भी नवरात्रे हैं, आपने पहले नवरात्रे पर ये शुरुआत करनी है। एक नारियल लेना है जटा वाला, उस पर कलावा बांधना है और जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही है वह नारियल माथे में लगाते हुए माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर अपनी वो समस्या माँ दुर्गा के आगे रखकर वह नारियल पंडित जी के सानिध्य में यानी कि पंडित जी के द्वारा माँ दुर्गा को अर्पण करवा देना है और अपने शुभ की कामना माँ दुर्गा से करनी है कि ये नवरात्रे आपके जीवन में एक नई शुरुआत कर दें और जो कष्ट जो तकलीफें आपके या आपके परिवार के जीवन में चल रही हैं वह समाप्त हो जाएं। तो अब ये नवरात्रों का अवसर है। अगर तो आप दुर्गा अष्टमी पर कंजक पूजन करते हैं तो हर दिन यानी कि जितने नवरात्रे आएंगे तो हर दिन आप एक नारियल 29 तारीख तक अगर आप दुर्गा अष्टमी पर कंजक पूजन करते हैं तो एक नारियल लेकर अपने माथे पर लगाकर माँ दुर्गा को अर्पण करते रहें और मन ही मन माँ से ये भावना करें कि अपना भाव माँ के आगे रखें कि ये मेरी फला फला तकलीफ दूर कर दे। अगर आप नौवीं को कंजक पूजन करते हैं तो ये नारियल आप नौवीं तक चढ़ाएं। सुबह का समय शुभ है, नारियल हमेशा सुबह के समय जाकर ही माँ दुर्गा को अर्पण करें और ये नारियल अपने माथे पर परिवार वालों के माथे पर लगाकर चढ़ाना है। देखिए, जो परंपराएं आपके परिवार में नवरात्रों की रही हैं, आप पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, वह सारी परंपराएं अपने परिवार के मुताबिक ही चलाइए। सिर्फ ये नारियल वाला उपाय आप सिर्फ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि माँ दुर्गा की कृपा से जब ये नारियल आप लगातार हर नवरात्रे पर माँ को अर्पण करेंगे तो माँ की कृपा से आपकी वो जो तकलीफ जो आपने माँ के आगे रखी है इस नवरात्रों में, माँ की कृपा से वो दूर हो जाएगी। इसमें आस्था बेहद जरूरी है और मेरा ये मानना है कि पूजा विधि जितनी सरल हो उसमें गलतियां होने की संभावना कम होती है। कठिन तौर पर माँ के नवरात्रों का भी पालन किया जाता है यानी कि पूरा अनुशासन और पूरी उन चीजों का ध्यान रखकर नवरात्रे किए जाते हैं, लेकिन उसमें गलती होने की संभावना रहती है। तो आप जैसे आपके परिवार में परंपरा है उस तरह से चले। नवरात्रों में जो तामसिक बुद्धि के लोग भी होते हैं ना, तो वो भी वेजिटेरियन बन जाते हैं, शाकाहारी बन जाते हैं। तो आप भी इसी बुद्धि का प्रयोग करें, ध्यान रखें कोई तामसिक भोजन का सेवन नवरात्रों में ना करें और कोशिश करें जब आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं वहां पर कुछ देर बैठें आसन लगा के, सिर्फ एक साधारण मंत्र का जाप करें। साधारण नहीं, मां के मंत्र तो बहुत महिमावान है लेकिन पढ़ने में बोलने में समझने में आपको आसानी होगी। वो मंत्र क्या है? सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाद साधिके शरण के त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इस मंत्र का जाप आप 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार 21 बार जितना सहज हो उतना करें। अपने आप को उस बंधन में ना बांधें कि जो आपसे निभाया ही ना जाए, यानी कि इतनी कठिन साधना करने की कोशिश ना करें जिसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाए। तो जितना हो सके आप इस चीज को आराम से सहज रखेंगे, मां आप पर कृपा कर देगी।
बाकी उसके बाद अष्टमी का कंजक पूजन करिए, नौवीं का कंजक पूजन करिए, इस पर मेरी वीडियो आगे आ जाएगी, आपको मैं गाइड कर दूंगा कि इसमें कैसे कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना है कंजक पूजन करते हुए। तो ये नारियल वाला उपाय मां की कृपा पाने के लिए और ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए बेहद कारगर सिद्ध होता है और आपके जीवन में दुखों को दूर करने की पूरी क्षमता रखता है। तो जब हम मां की भक्ति बड़े सहज भाव से, सरल भाव से, पवित्र मन से, आस्थावान होकर करते हैं तो मां की कृपा से आपके दुख दूर हो जाते हैं। कहते हैं जहां पर आस्था है वहीं पर रास्ता है। तो आस्था जरूरी है, आस्था के साथ चलेंगे तो मां दुर्गा की कृपा से जो ग्रहों के दुष्प्रभाव आपके जीवन में आ रहे हैं, उनके द्वारा जो समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो गई हैं, वो मां की कृपा से दूर हो जाएंगी। अब नव ग्रह मां की कृपा से कैसे मतलब आपके दुष्प्रभावों को दूर करेंगे, अगर आप अपनी बुद्धि लगाकर एक चीज देखेंगे ना, तो ग्रहों का जो आकार है वो गोल है। जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं वो गोल है। तो सब कुछ जैसा कि दुर्गा सप्तशी में बोला गया है, सारे ग्रह मां के ही अंडर हैं, यानी कि सारे ग्रहों पर मां दुर्गा का कब्जा है। तो मां दुर्गा सभी ग्रहों पर अपनी पूरी शक्ति रखती है, पूरा प्रभाव रखती है और उनको अच्छा और बुरा फल देने के लिए बाध्य भी करती है और बुरा फल आपके जीवन से हटाने के लिए भी बाध्य कर देती है। तो मां की शरण में जब हम चल जाते हैं तो नारियल की जो अंदर से ठूठी निकलती है वो भी गोल है। तो वैज्ञानिक तर्कों में जाएंगे तो बहुत कुछ है, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। बस नवरात्रों में हर दिन एक नारियल का दान कलावा बांध के अपनी समस्या मां के आगे रख कर वह नारियल पंडित जी के द्वारा चढ़ाएं, पंडित जी को थोड़ी बहुत दक्षिणा जरूर दान करें, ठीक है, और वहां मंदिर पर बैठकर मां दुर्गा के समक्ष में सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वा साध के शरण के त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जाप करें। बेहद सरल है और हर कोई कर सकता है। उसके बाद अपनी श्रद्धा के साथ कंजक पूजन करें और नवमी पूजन करें और रामनवमी का उत्सव मनाएं। इस कंजक पूजन में रामनवमी तक मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो देने जा रहा हूं जो शायद आज से पहले आपने ना सुने हो, और कुछ धर्म के बारे में ऐसी बातें हैं जिन पर हमारे कुतर्क होते हैं और लोग करते हैं, जो तर्कशील लोग हैं वो करते हैं, लेकिन अगर आप सनातन में आस्था रखते हैं तो ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए सुनने, और सुनिएगा, आपका दृष्टिकोण बदलने वाला है इन नवरात्रों में। खास तौर पर भगवान राम के विवाह पर एक वीडियो मैं ला रहा हूं जो उनकी कृपा से एक बहुत बड़ी भ्रांति को दूर करेगा। तो आइए इन नवरात्रों में मां की कृपा पाने के लिए, ग्रहों की कृपा पाने के लिए जो चीज मैंने आपको बताई है मां के